मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। होप आप सब अच्छे रहेंगे। आज 20 मार्च है और हम निकले हैं अलसूर लेक के लिए, तो हम आपको पूरी अलसूर लेक आज दिखाएंगे। प्लीज वीडियो की आप अंत तक देखते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, तो मैं पूरी धीरे धीरे आपको पूरी बैंगलोर दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो रोज की तरह वो ब्रिज, बस आज राइट साइड हमें जानी है, तो यहीं से कुछ किलोमीटर रहेगा। मैं अभी देख के बताता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। थोड़ी कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी, 11:30 हो चुका है। तो हमने अभी देखिए ब्रेकफास्ट के लिए चाय ले ली है, इसके साथ कुछ खा लेते हैं। देखिए आप जाके की है, ये बेकरी है कर्तन के सामने। तो हमने अभी एक अंडा पफ मंगाया है, आपको दिखाता हूँ। तो ये रही हमारे अंडा पफ, इसके साथ ही आज का डे शुरुआत करनी है मेरे को। तो यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर कुछ दिखा रही है, तो हम आज अलसूर लेक आपको जाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी ये मेडियली पे हूँ, ये हमारे बॉस की और एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे कुछ हमारे गांव वाले आए हैं, तो दिखाते हैं आपको गांव वाले को। ये देखिए हमारे ये है, यहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये है हमारे निर्मल भाई। अगर हमारे गाँव से आप है तो आप पहचान सकते हैं। और उस तरफ है ये देखिए हमारे मोनू भाई है, और ये देखिए अपने गांव वाले मंटू भाई, और इनको तो जानते ही हैं। देखिए गिलगित भाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी है। दोस्तों, मैं फिलहाल एमजी रोड आ चुका हूं और यहां से 2 किलोमीटर करीबन है, तो यहां से पैदल ही मैं जा रहा हूं, देखते कैसे होगा। तो यहां की आगे से अपनी मेट्रो शुरू हो, देखिए ये मेट्रो है, आगे एमजी रोड है और यहां पे कोई मॉल है, ये है आइनॉक्स यहां पे है, और आगे जाके MG1 मॉल है, आपको दिखाता हूँ। और जो बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ आगे भी है वो बिल्डिंग, देख सकते हैं। ये है MG रोड की जंक्शन एंट्रेंस, ये ट्रिनिटी सर्कल बोलते हैं। और ये रही जो वाइट वाली बिल्डिंग जो हम काम करते हैं, और इस तरफ है जाके 1 MG मॉल है ये। और यहाँ पे आगे जाके आपको ये ताज होटल मिलेगा, देखिए ताज होटल है ये, और आगे भी एक होटल है पार्क बोल के। तो इसी रोड में है अलसूर लेक, तो हम इस तरफ से जा रहे हैं अभी। आपको 1 MG मॉल दिखाएंगे, देखिए 1 MG रोड, MG रोड पे 1 MG मॉल है ये। पूरी ये देखिए पूरी व्यू है 1 MG रोड, देखिए ये मॉल है, आप देख सकते हैं। मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, और अलसूर लेक इस तरफ से जाती है, जो बस स्टैंड है लीडो है, और पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये पार्क होटल है पीछे की तरफ। ये रही यहाँ पार्क होटल, आप देख सकते हैं पार्क होटल के बाहर की नज़ारा काफ़ी अच्छा, वाइट कलर की। स्टेट आते आते एक जंक्शन है, ये हलसूर जाती है, तो हम स्टेट जा रहे हैं। और यहाँ में और एक होटल है, देखिए कितनी हाइटेड है, ये कॉनकॉर्ड होटल है, ये भी होटल है, आप देख सकते हैं ये होटल की एंट्रेंस है ये। और इसी रोड में देखिए ये कॉनकॉर्ड की एंट्रेंस के सामने है, यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह ताबा है, ये देखिए गुरुद्वारे है यहाँ पर। और मुझे इस तरफ की रोड जानी है, ये ओल्ड मद्रास रोड जाती है, तो उधर क्रॉस करना है मुझे, जो अभी आया था मैं उस तरफ से। देखिए ताज होटल दिख रही है वहाँ से। दोस्तों यही है अलसूर लेक, लेकिन काफ़ी देखिए 1.5 किलोमीटर तक देखिए वहाँ पे है एंट्रेंस, शायद उस तरफ से घुस के आना पड़ेगा। तो यहाँ में तो कचड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं जा रहा हूँ इसी रोड पे, करीबन 1.5 किलोमीटर रहेगी, मैं पैदल जा रहा हूँ और भूख भी लग रही है। तो अभी देखिए 1:30 हो चुकी है, जो मैं एक चाय और एक कप खा के आया था, और भूख लग चुकी है। यही रोड में और एक होटल दिखाई दिया मुझे, रेडिसन, देखिए यहाँ पे है रेडिसन, काफ़ी सारे 4-5 5-स्टार होटल सभी हैं यही रोड पे। तो पैदल आते आते मैं करीबन 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ, अभी तक कुछ एंट्रेंस नहीं मिला है। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि उस तरफ दिखाई दे रही है, वहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद वहीं पे होगा शायद एंट्रेंस। और भी 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पहले कुछ खा लेता हूँ, कुछ होटल आगे दिखाई दे रही है। अब ये जंक्शन है पूरा, तो उस तरफ से जाना पड़ेगा, वो आगे तरफ देखिए कहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ पर एंट्रेंस, तो कुछ होटल या दिखाई दे रही है वहाँ पे, तो जखा कुछ खा लेता हूँ पहले। ये रही हमारे लंच, फ्राई राइस है, बस सॉस दिए है, और मिरिंडा के साथ हम आज इसी में ख़त्म करेंगे लंच। तो हम अभी अलसूर लेक के अंदर में एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो लेक, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं।
मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। मेरा दिखाई दे रही है वो रोड, पहले तो मैं वो पूरा राउंडिंग मार के आया हूँ। वो देखिए उस तरफ से आया, गलत हो गया, मैं इस तरफ से आना था, तो उस तरफ से कम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर मैं पैदल चल के आया हूँ। देखिए अलसूर लेक की झलक है, वो बिल्डिंग के सामने से मैं पैदल चल के आया था 2.5 किलोमीटर तक, क्योंकि इधर से आना था मुझे तो सामने था। ये देख सकते हैं यहाँ पे बोट वोट चलती थी, लेकिन बोल रहे कि कैंसिल हो गया। और ये कुछ डीप से बीच बीच में देख सकते हो आप आगे की ओर, और काफ़ी सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ में देखिए एक स्टैचू रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ कन्नड़ा में लिखा हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आती क्या क्या लिखा है। देखिए 2/04/11/2006 ये दिखा, ये मुझे समझ आ रही, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रही। और स्टैचू आप देख सकते हो, इसके अंदर ही है, अलसूर के अंदर ही है, अलसूर के लेक के अंदर। यहाँ पे देखिए कैसे की व्यू दिखाई दे रही है, पूरी अच्छी सी है। और ये हम चारों तौर नहीं घूम सकते, क्योंकि आगे की एक गेट है, तो उन्होंने बताया कि यहीं तक हम जा सकते हैं। मैं नहीं सोचा कि पूरे राउंड मार सकते हैं, मैं राउंड तो मारा हूँ लेकिन बाहर से मारना पड़ा मुझे। आप देख सकते हो खाली पानी है बस, और इस तरफ लोग खेल रहे हैं, और उस तरफ कुछ लड़कियां हैं वो जो रील बना रही है। तो ये पाथ है चलने के लिए। तो शायद यहीं से बोट चलती थी होगी, आप देख सकते हो, अभी तो नहीं है, बता रहे कि बोट कैंसिल हो गई। ये देखिए सोलर पैनल लगा हुआ है पूरी यहाँ पे। तो आगे भी कुछ बोट्स अभी दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो आगे पे है। यहीं पे एक स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हो, डॉल्फिन बोल के, लेकिन इन्होंने बोल रहे कि क्लोज हो चुका है। ये लिखा है भूरत बेंगलुरु महानगर पालिका का है। तो हम निकल रहे हैं, अभी बंद हो चुका है, नहीं तो नहा के जाते थे। देखते हैं अंदर जाके, उस तरफ से जाते हैं, अभी लोग चले गए, अभी अभी आए थे, बोल रहे कि बंद हो, लोग भी अभी गए थे तो बंद हो चुका है, शायद घूम के आ चुके हैं। तो मैं भी निकलता हूँ अभी। देखिए ये अलसूर लेक की अंदर ही है, देखिए डिफेंस की एरिया भी है, मतलब ये कम से कम 123 कुछ हेक्टर्स में फैला हुआ था, आपको पूरा दिखाया था ना मैंने। तो इसमें आर्मी का एरिया है, बाकी BBMP का है। मैंने सोचा कि मैं एक बार पूरा राउंड मार लूँगा, राउंड तो मैंने मार लिया, लेकिन खाली बाहर से ही मारा। कुछ आगे कुछ दिखाई दे रही है मुझे, यूरोक बोल के, ये आर्मी की एरिया है, यही राउंड में ही है, मतलब ये पूरा 123 कुछ हेक्टर्स में फैला हुआ है। आप देख सकते हो आर्मी की एरिया है, इसी के अंदर है, ये लेक के अंदर में है ये। देखिए ये मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ पूरा राउंडिंग। तो ये आर्मी का एरिया है, शायद इन आर्मी की वजह से शायद ये बोट कैंसिल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आर्मी के बोट बहुत सारे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उस तरफ। ये अंदर तो जाने नहीं देंगे, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ बस। मैं अभी MG रोड पहुँचने वाला हूँ, आप देख सकते हो वो होटल ताज दिखाई दे रहा है, काफ़ी सामने था, मैं बस ऐसे ही एक चक्कर लगा लिया, मुझे पता ही नहीं था कि गेट यहाँ पे है। मैंने सोचा वहाँ पे भी गेट है एक, लेकिन लोग मुझे इधर इस तरफ दिखाई दिया। इसी लेक में कुछ दो लड़का दिखाई दे रहा है, मच्छी पकड़ रहे हैं जाल में, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये मछली मिल गया है बस अलसूर लेक में, देखिए कितना बड़ा है मछली, वो देखिए मछली मिल गया है फाइनली। तो दोस्तों अभी 6 बजने वाली है और मैं रूम आ चुका हूँ, और ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं, ये ब्लॉग कल तक आपको सुबह तक मिल जाएगा, और अगली ब्लॉग सैटरडे और संडे को हम डालेंगे, क्योंकि बैंगलोर के बाहर जा रहे हैं हम KGF। तो
तो आपको तो पता ही है यहाँ से कम से कम 80 किलोमीटर है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको मैं पूरी जानकारी रखूँ दिखाने।